हेलो भाइयों, कैसे हो आप सब लोग। मैं हूं आपका अकील और आप लोग देख रहे हो पीके एडिटिंग चैनल। तो जी हाँ बिल्कुल, आज भी फोटो एडिटिंग विजय मेहर सर के ऊपर है। उनका जो आज का कॉन्सेप्ट था वो उन्होंने अपलोड कर दिया था इंस्टाग्राम पे, तो उसका ट्यूटोरियल सबसे पहले ही और सबसे जल्दी ही पीके एडिटिंग चैनल पर आ गया है। तो अगर आप चैनल पर न्यू हो तो भैया पीके एडिटिंग चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करो, घंटे को भी दबाओ और ऐसी मजीद आपको वीडियो एडिटिंग मिलती रहेगी विजय मेहर की। और वीडियो को लाइक करना लाजमी है, लाइक कर देना। और अगर मुझे फॉलो करना चाहते हो इंस्टाग्राम की लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से फॉलो कर लेना। अब हम चलते हैं वीडियो की तरफ। तो वीडियो में तो सबसे पहले मैं पोज दिखा देता हूँ, मतलब ऐसे पोज के लिए आपको स्क्रीन पर नजर आई होगी फोटो, तो मतलब ऐसा पोज आप कैसे खिंचवा सकते हो। पोज आपको स्क्रीन पर फिलहाल अभी नजर आ रहा होगा, आप देख रहे हो, मतलब बिल्कुल घटिया एक नंबर की फोटो आपको नजर आ रही होगी, बिल्कुल पिक्सल फटे। मैं पता ही है, मोबाइल की फोटो मैं बनाता हूँ, मोबाइल की फोटो जो होती है उसको मैं वैसा बनाता हूँ ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो, क्योंकि DSLR हर किसी के पास अवेलेबल नहीं होता। तो मोबाइल की फोटो भी बन सकते, कोई टेंशन की बात नहीं, वरना हर चैनल वाला मोबाइल की फोटो का नहीं बताता। तो देख लो ऐसा पोज खिंचवाना है, मतलब नीचे से मैंने तो इसका बैकग्राउंड रेस कर लिया है, मतलब टांगे वांगे मैंने सारी इसकी रेस कर ली हैं, बाकी टांगे जो उसकी होंगी उसको हम दूसरी टांगे लगाएंगे जैसे हमने पिछली वीडियो में लगाई थी। तो देख लो मतलब कैसे आपने ना भागते हुए यह तस्वीर खिंचवानी है, मतलब नीचे की भले आपकी जैसी भी तस्वीर है उसकी टेंशन नहीं है, लेकिन पोज ऐसा बनाना है, मतलब भागोगे तो ऐसा पोज बनेगा, मतलब भागना बिल्कुल नहीं है, मतलब भागने का स्टाइल बना लेना तो ऐसा पोज बन जाएगा। ठीक है, ऐसा पोज खिंचवा, उसके बाद जो मैं बैकग्राउंड लूँगा उसको खोल लो कहाँ पर, पिक्सआर्ट में। तो मैं बैकग्राउंड को पिक्सआर्ट में खोल लेता हूँ। तो बैकग्राउंड हमारा पिक्सआर्ट में आ चुका है गाइस। बैकग्राउंड और जो जो PNG यूज़ करूँगा उसकी लिंक हमेशा की तरह नीचे मिल जाएगी, आप डाउनलोड कर लेना। बैकग्राउंड को पिक्सआर्ट में खोलने के बाद यहाँ पर आपको ऐड फोटो नजर आ रहा है। ऐड फोटो में जाने के बाद आप यहाँ पर अपने मॉडल का जो पोज दिखाया वो पोज और एक जो मैं दोनों टांगों की PNG दूंगा उन दोनों को, मतलब टांग को अलग और आधे ऊपर के जिस्म को पेट से अलग, इन दोनों को आप ऐड कर लोगे। तो हमने यहाँ पर दोनों फोटोज़ को ऐड कर लिया है। ठीक है, और दोनों का मैंने बैकग्राउंड पहले से इरेज कर लिया था। अगर आपको बैकग्राउंड इरेज करना नहीं आता तो डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो की लिंक मिल जाएगी, जाकर देख लो कि बैकग्राउंड कैसे इरेज करते हैं। अब यहाँ पर असल चीज़ है एडजस्टमेंट की, मतलब इन दोनों को आप कैसे एडजस्ट करोगे, यही मेन चीज़ है। तो आप गौर से देखो, आप पहले टांग को स्किन करोगे बड़ा, ठीक है, और इसको बिल्कुल नीचे की तरफ ले आओगे, इसको यूं कर दोगे यहाँ से, और फिर मॉडल को सिलेक्ट करके उसको आपने बिल्कुल टेढ़ा करना है, मतलब यूँ सीधा नहीं बिठाना, टेढ़ा करोगे तो बिल्कुल भागने वाला एक लुक आएगा। तो आपने करना है मॉडल को बड़ा, टांग बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई है तो देन इसको हम कर देते हैं टांग को थोड़ा छोटा और इस तरफ ले आते हैं, और यहाँ पर मॉडल को हम यहाँ पर टांगों के ऊपर रखते हैं, मतलब बिल्कुल ही मैच करना है कि इसकी जो फोटो, मतलब हमारे जो मॉडल की जो वो शर्ट है वो बिल्कुल इसकी अपनी शर्ट है और टांग भी इसके साथ ही है। ये मतलब ज़्यादा टेढ़ा हो गया तो इसको यूँ सीधा करते हैं, एडजस्टमेंट बिल्कुल ठीक तरीके से करनी है, और इसको भी थोड़ा सा आप यूँ कर दो, ये ज़्यादा टेढ़ा हो गया, इसको और थोड़ा सीधा कर देते हैं, क्योंकि विजय मेहर सर की जो पिक्चर में जैसा था सेम टू सेम वैसे हमने फोटो बनानी है तो हम वैसे ही करेंगे। ये ज़्यादा भी हमारी टांग बड़ी, टांग को थोड़ा छोटा करते हैं और मॉडल को भी थोड़ा छोटा करते हैं, बिल्कुल एडजस्टमेंट आपने ठीक तरीके से देखनी है, क्योंकि एडजस्टमेंट अगर सही होगी तो आपकी पिक्चर अच्छी बन पाएगी। एडजस्टमेंट ही मेन चीज़ है यहाँ पर, जो विजय मेहर की एडिटिंग होती है उसके अंदर एडजस्टमेंट ही मेन चीज़ होती है। तो ठीक है, अब क्या करोगे, आप टांग को सिलेक्ट कर लोगे, उसके बाद यहाँ पर आप टांग को थोड़ा इस तरफ करोगे, देन उसके बाद हमारा मॉडल एक तरीके से ठीक से एडजस्ट हो गया। अब आप क्या करोगे, रेजर में जाओगे भैया, हार्डनेस को बढ़ाकर यहाँ पे जो टांग का इस तरफ बाहर बाहर पार्ट आ रहा है ना उसको यहाँ से कर दोगे रेज, जिससे मतलब बिल्कुल ये कपड़ों के साथ टांग मैच हो जाए। तो यहाँ से डन करोगे, उसके बाद ऊपर को सिलेक्ट कर लोगे, फिर रेजर में जाओगे, जाने के बाद साइज़ को बढ़ा के हार्डनेस को छोटा करके यहाँ पे जो शर्ट का पार्ट है उसको कर दोगे इरेज। ठीक है, और आपके सामने आपने शर्ट को सिलेक्ट नहीं करना, आपने सिलेक्ट करना है यहाँ पर टांगों को। ठीक है, तो आपके सामने मतलब बिल्कुल ही अब दोनों की जो क्या कहते हैं शर्ट और पैंट दोनों मैच हो गई है, ऐसा लग रहा है कि मतलब दोनों जो हैं वो असली हैं, हमने कोई मतलब दोनों की चेंज नहीं करी है। ठीक है, तो अब आप कर दोगे यहाँ से भैया डन, डन कर दिया तो इतना ही काम था, मतलब पिक्सआर्ट में कोई लंबा चौड़ा काम नहीं था, सिर्फ एडजस्ट करना था। ड्रॉ वाले टूल में चलकर हम फोटो को कर लेंगे 3 डॉट से सेव, और इस फोटो को मतलब मज़ेदार ही बहुत ही बढ़िया लुक देने के खोल लेंगे कहाँ पर, Lightroom एप्लीकेशन में। तो हमारी फोटो Lightroom के अंदर गाइज आ चुकी है। अब Lightroom के अंदर एक रिटचिंग बहुत ही बढ़िया करेंगे। एक बात आप जान लो कि मतलब जब आप मोबाइल से फोटो क्लिक करवाओगे तो डायरेक्ट उसको एडिट, मतलब उसका बैकग्राउंड इरेज करने मत लग जाना, उसको Lightroom एप्लीकेशन में टचिंग कर लेना पहले जो मोबाइल की फोटो की, उसके बाद उसका बैकग्राउंड इरेज करना। मतलब रिटचिंग तो Lightroom की हर किसी को आती होगी क्योंकि बहुत ही आसान है, और आजकल तो रिटचिंग आम है, मैं हर फोटो के अंदर रिटचिंग बाद में करता हूँ, तो मतलब मेरे को नहीं लगता कोई इतना मसला होगा रिटचिंग करने का। तो बिल्कुल आप रिटचिंग कर लेना, उससे मतलब फोटो की क्वालिटी बढ़ जाएगी, और उसके बाद जब फिर एडिट करोगे तो उससे मतलब ये नहीं होगा कि मतलब बिल्कुल बकवास फोटो लगेगी, थोड़ी बहुत वो DSLR की तरह लगेगी। तो चलो अब हम यहाँ पर आप अपनी फोटो को क्या करते हैं, यहाँ पर इसके एडजस्टमेंट कर लेते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं लाइट वाले ऑप्शन में, यहाँ पर हम क्या करते हैं कॉन्ट्रास्ट को इस दफ़ा हम करते हैं थोड़ा कम, कॉन्ट्रास्ट को कर देते हैं हम 25% माइनस पे दें। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर हाईलाइट्स को कम करते हैं 20 माइनस पे, उसके बाद हम शेडोज़ को बढ़ा देते हैं 8 या 9% प्लस
पे, देन यहाँ पे वाइट स्कॉम कम करते हैं 46% माइनस पे, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं भैया इससे बराबर वाले ऑप्शन में। यहाँ पे आने के बाद हमने यहाँ पे कोई छड़म छाड़ी नहीं करनी, देन सिर्फ वाइब्रेस को हमने यहाँ पे बढ़ाने हैं 9% प्लस पे। उसके बाद मिक्स वाले टूल में जाएंगे, गौर से देखना यहाँ वाले स्टेप। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो ये रेड कलर है इसकी ह्यू को आप बढ़ा दोगे, ठीक है, ह्यू को आप कर दोगे यहाँ पे 49%, देन इसकी ल्यूमिनस को थोड़ा सा कम करोगे। उसके बाद ऑरेंज कलर में आने के बाद यहाँ पर ल्यूमिनस को हम कुछ भी नहीं करते, बस ल्यूमिनस को हमने 5 माइनस पे कर दिया, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, येलो वाले कलर में आओगे, देन यहाँ पे इसकी ह्यू को फुल माइनस पे, माइनस पे या प्लस पे, तो इसकी ह्यू को हम माइनस पे नहीं कर रहे, इसकी ह्यू को हमने कर दिया प्लस पे, ठीक है। इसकी ह्यू को हम प्लस पे कर देते हैं, देन यहाँ पे इसकी सेचुएशन को नहीं छेड़े ना ल्यूमिनस को छेड़े। और ग्रीन वाले कलर में इसकी ह्यू को आके फुल कम कर दोगे। और ये वाला जो कलर है ना, मतलब ये वाला कलर बहुत ही मतलब ज़्यादा है, तो ये कलर देखें आपके सामने चेंज हो रहा है। तो अब आप इसकी ह्यू को कर देंगे 100 माइनस पे, देन इसकी सेचुएशन जो है उसको आप कर दोगे तकरीबन, आप यहाँ पे इसकी सेचुएशन को करोगे 60 या 65% माइनस पे, ठीक है, 60 या 65% माइनस पे, तो आपके सामने लुक एक बढ़िया आ गया। तो 60% माइनस पे हमने इसे कर दिया। अब कर देते हैं यहाँ से भैया हम डन। डन कर देने के बाद वाइब्रेंस को बढ़ा के देखते हैं, वाइबनेस को हम यहाँ पर बल्कि रहने ही देते हैं, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा बढ़ाने के बाद, जितनी थी उतनी रहने दी हमने। उसके बाद इस वाले ऑप्शन में आने के बाद नॉइज रिडक्शन को आप बढ़ाओगे 18 या 19%, उसके बाद कलर नॉइज रिडक्शन को आप बढ़ाओगे 6%, उसके बाद स्मूथनेस को आप थोड़ा सा बढ़ाओगे, और फिर शार्पिन को तो पता ही है फोटो के हिसाब से बढ़ाओगे। तो शार्पिन को हम यहाँ पे कितना करते हैं, जितनी फोटो के हिसाब से देते हो, तो शार्पिन को हम यहाँ पे कर देते हैं 55%। उसके बाद इससे पीछे वाले ऑप्शन में आते हैं, यहाँ पे आने के बाद विग्नेट वाले ऑप्शन को भले चाहो तो कम कर देना 10 माइनस पे। उसके बाद क्लैरिटी को आपने बढ़ाना है, क्लैरिटी को करना है आपने यहां पर तकरीबन 38% या 39%। उसके बाद आप आओगे सूरज भैया वाले ऑप्शन है, देन यहाँ पे शेडोज़ को थोड़ा सा बढ़ा दोगे, शेडोज़ को आप यहाँ पे बढ़ा देना 9% था पहले, अब आप यहाँ पे कर दो 18%, ठीक है। तो अब आपके सामने मैं आपको फ़ोटो दिखा देता हूँ कैसी बन गई है। पहले जो फ़ोटो थी वो इस तरीके से थी, आपको नज़र आ रहा होगा भैया, और अब फ़ोटो बैकग्राउंड से मैच भी हो गई है, और एक बिल्कुल ही अच्छी भी लग रही है, और फ़ोटो एडिटिंग भी बहुत ही बढ़िया लग रही है। और ये मतलब कोई भी अब नहीं बोल सकता कि मतलब हमने टांगों को उससे जोड़ा है, बिल्कुल इसके अपने ही कपड़े लग रहे हैं। तो आप भी ऐसी ही एडिट करो, और चैनल न्यू है भाई, चैनल को सपोर्ट करो ना। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल भी रखना। अल्लाह हाफिज़।